अब इसके नवा सवाल है। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां एन ए में अवयवों की संख्या है 3 और एन बी में अवयवों की संख्या है यहां पर 2। यदि x1 यदि x1 y2 z1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए, जहां एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न है, लेता हूं जहां एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न। देखिए एन ए इसमें 3 अवयव है ना, तो ए क्रॉस बी इसका मतलब पहला घटक किसका है, ए का है, तो यहाँ पहला घटक क्या है, ए, दूसरा वाई और तीसरा यहाँ जेड, तो यहाँ गया ए में एक्स वाई और जेड है ना, तो 3 अवयव हो गए इसके। बी में कितने अवयव हैं, 2, तो दूसरे घटकों का समूह ए क्रॉस बी दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे जो घटक हैं उनका समूह क्या होगा, बी, तो बी बराबर क्या होगा, दूसरा घटक है ए 2 a, तो इसका मतलब एक और दो, एक और दो इसके दो अवयव, तो ये हो गए ए और बी। कार्तीय गुणन है दसवें में, ए क्रॉस ए में 9 अवयव जिनमें मानसिक 0 तथा 0 1 भी है। समुच ए ज्ञात करना है तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करना है। तो देखो ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, तो इसका मतलब एन ए ए में कितने अवयव होंगे, है ना, 3 अवयव होंगे, क्यों, 3 × 3 9 हो जाएंगे, तो ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका ए में 3 और इस ए में 3, तो 3 × 3 9, तो ए में 3 अवयव होंगे। अब देखो इसमें पहला घटक यहां पर अवयव दे रखे हैं, तो एक ही अवयव है सभी, पहला भी और दूसरा भी, पहला अवयव भी एक है दूसरा अवयव भी एक है, तो इसका मतलब यहाँ ए बराबर क्या होगा, देखो मान से एक होगा 0, यह पहला घटक तो 0 भी होगा और दूसरा घटक 1 वो भी 1 का ही होगा, और 3 अवयव होने चाहिए, 3 अवयव है। अभी कह रहा है ए क्रॉस ए का शेष अवयव ज्ञात करना है, तो ए क्रॉस ए ज्ञात करते हैं, माइनस 1 0 1 क्रॉस माइनस 1 0 1, इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 1 का इन तीनों से, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 और माइनस 1 1, अब 0 का इन तीनों से 0 माइनस 1 0 का 0 से भी होगा और 0 का 1 से भी होगा, फिर 1 का माइनस 1 से, 1 का 0 से भी होगा और
एक से भी होगा। अब हमको शेष बताने हैं, माइनस एक जीरो, जीरो एक तो हमें दे रखा है, देखो माइनस एक जीरो ये दे रखा है और जीरो एक ये दे रखा है। शेष अवयव कौन से रहेंगे, तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव। अब अवयव लिख रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे इनको, एक तो हो गया माइनस एक, माइनस एक फिर माइनस एक एक माइनस जीरो, माइनस एक जीरो जीरो या आ गया पहले ही दे रखा इसने, एक माइनस एक एक जीरो और एक एक, तो ये इसके शेष अवयव है। तो ये हो गए तुम्हारे दो पॉइंट एक। अब है संबंध, संबंध क्या होता है। मान लीजिए दो समुच्चय हमारे पास में, यदि a बराबर तो मान लेते हैं कि एक दो तीन है कैपिटल है, b बराबर चलो a b और c d है। अब ए से बी में संबंध स्थापित करना है, ए से बी में संबंध मान लीजिए ये इस तरह से है एक दो तीन, बी है यहां पर, ये तो ए समुच्चय हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी और डी। अब मान लीजिए एक का तो ए से संबंध हो गया, दो का बी से हो गया और चलो तीन का डी से हो गया, तो ए का जो अवयव है वो बी से संबंध रखते हैं, तो ये ए से बी में संबंध कहलाता है। ए इसका क्या कहलाता है, प्रांत, बी इसका क्या कहलाएगा, सह प्रांत, और ए के प्रतिबिंबों का जो समुच्चय है एक से जो बी के अवयव संबंधित हैं उनका समुच क्या कहलाएगा, परिसर। तो ए तो क्या कहलाता है, यहाँ संबंध को आर से व्यक्त करते हैं, तो आर का क्या प्रांत, प्रथम घटकों का जो समुच आएगा वो प्रांत कहलाता है। तो ये तो हो गया एक दो तीन, है ना, ये तो प्रांत कहलाएगा। बी क्या कहलाता है, आर का सह प्रांत, बी में जो भी अवयव है वो ए बी सी और डी, और आर का सह प्रांत क्या होगा, वो परिसर क्या होगा, ए के अवयवों का जो प्रतिबिंब, ए के अवयवों से जो संबंधित है, जो ये ए के अवयव से संबंध रखते हैं उन उनका समुच क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो ए संबंध रख रहा है दो बी और तीन का डी से, ये इसका क्या कहलाएगा, परिसर। तो परिसर हमेशा सहप्रांत का क्या होगा, उपसमुच होगा। ये जो परिसर है ना सहप्रांत का उपसमुच होगा, अर्थात यहाँ लिख दो परिसर सबसेट ऑफ सहप्रांत, परिसर हमेशा क्या कहलाएगा, क्या होगा, सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि परिसर सहप्रांत में से ही प्राप्त होता है। परिसर क्या होता है, प्रांत तो क्या होता है, पहले घटकों का जो जिससे जिसमें पहला जो समुच्चय है उसके अवयवों का समुच्चय, दूसरा समुच बी जिससे जिसमें परिभाषित है वो
प्राण, और प्राण के अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो क्या कहलाएगा? सह प्राण। अब ए क्रॉस बी, ये जो संबंध प्राप्त हो रहा है इसे बी में जो आर प्राप्त हो रहा है वो हमेशा क्या होगा? एक का जैसे ए से, दो का बी से और तीन का डी से। ये जो संबंध आर प्राप्त हो रहा है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, है ना? ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ये तो यहाँ लिख दो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो आर जो संबंध प्राप्त होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय रहता है। तो क्या परिभाषा हो गई यहाँ उपसमुच्चय की? किसी एरिक समुच ए से एरिक समुच बी में संबंध कार्तीय गुण ए क्रॉस बी का क्या होगा? एक उपसमुच होगा। यह उपसमुच ए क्रॉस बी के क्रमितियों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। प्रथम घटक को तो क्या कहते हैं? प्रथम घटक का जो समुच है वो तो प्राण, और द्वितीय घटकों का जो समुच है वो परिसर। ये इस तरह से आर जो संबंध है वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। अब समुच्चय को व्यक्त करने का ये तो क्या कहलाता है? निरूपण, रोस्टर रूल। ये तो क्या कहलाता है? रोस्टर रूल। और इस तरह से ये वेन आरेख में भी प्रदर्शित करते हैं तीर के निशान द्वारा। ये दृष्टि चित्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये एक दृष्टि चित्र कहलाएगा। तो अब हम संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है? ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों, ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या होती है। अब यदि मान लीजिए, यदि ए में एन अवयव तथा बी में एम अवयव है तो ए क्रॉस बी में एम एन अवयव होते हैं। यदि ए में एन अवयव, बी में एम अवयव, तो ए क्रॉस बी में एम एन अवयव होंगे, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। इसलिए ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर m। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर और उसके अवयवों की संख्या, और इसमें अवयव कितने? m है।
तो टू की पावर तो कितने हो गए, अतः ए से बी में कुल संबंधों की संख्या टू की पावर एम एन होती है, और एरिक संबंधों की संख्या तथा ए से बी में एरिक संबंधों की संख्या टू की पावर एम एन माइनस वन होती है, क्योंकि एक द्विक संबंध भी इसमें होता है। तो एरिक संबंधों की संख्या टू की पावर एम एन माइनस वन होती है। ए से ए में संबंध को ए पे संबंध भी कहते हैं ना, ए से यदि ए में ही संबंध हो तो वो उसे हम ए पर संबंध कहते हैं। ए से ए में संबंधों को ए पर संबंध कहते हैं। तो ये हो गया संबंधों के। तो संबंध क्या हो गए, कोई भी समुच्चय ए से बी में संबंध ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी में से ही आते हैं ए से बी में संबंध, है ना। एग्जाम्पल सात, मान लीजिए कि ए बराबर तो है, ए बराबर एक दो तीन चार पांच और छह, आर बराबर जो संबंध है वो किस प्रकार से परिभाषित है, एक्स वाई such that y is equal to x plus 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए, संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए और आर के प्रांत सह प्रांत तथा परिसर भी लिखिए। तो देखो संबंध आर इससे परिभाषित है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू है एक्स प्लस वन, और एक्स और वाई दोनों किसमें ए से ए में, है ना। एक्स बिलोंग्स टू बी है तथा वाई बिलोंग टू भी ए है, मान भी एक्स का ए में से लेना है और वाई का मान भी ए में से प्राप्त होना चाहिए, और यहाँ परिभाषित है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो हम एक्स का मान लेते हैं एक, एक्स बराबर एक, तो वाई बराबर क्या होगा, यहाँ एक प्लस एक बराबर दो, एक्स बराबर दो लेते हैं तो वाई बराबर दो प्लस एक बराबर तीन, ये दो ए में है, ये तीन भी ए में है, जब एक्स बराबर अपन लेते हैं तीन तो वाई बराबर तीन प्लस एक तो यह आएगा चार बिलोंग्स टू ए, है ना, इसमें रखना। तो एक्स बराबर चार तो वाई बराबर चार प्लस एक बराबर आएगा पांच, ये भी ए में है। लेते हैं x बराबर हम 5,
तो y बराबर क्या आएगा 5 प्लस 1 बराबर आएगा 6 6 भी m है और जब x बराबर लेते हैं हम 6 तो y बराबर क्या आएगा 6 प्लस 1 बराबर 7 और ये m है नहीं है नॉट बिलोंग टू a इसका मतलब 6 का संबंध 7 से नहीं होगा तो इसको r को प्रिमिटिव के रूप में लिखो एक का संबंध है दो से दो का है तीन से फिर तीन का चार से चार का पांच से और पांच का छह से और बस पांच तक है पांच का छह से छह का सात से यानी कि हम सात एक अवयव है तो ये तो क्रमिक रूप हो गया इसको तीर आरेख द्वारा फर्स्ट में तीर आरेख द्वारा व्यक्त करना है ए से ए में तो देखिए ए ये मान लीजिए ए और यहां भी ए से ए में है तो ये भी ए है इसमें एक दो तीन चार पांच छह यहां पर भी वही एक दो तीन चार पांच अच्छा एक का संबंध है दो से दो का है तीन से तीन का है चार से चार का है पांच से और पांच का है छह से तो ये तो हो गया तीर आ रही है अब आर का जो प्रांत है वो क्या होगा पहले घटकों का संबंध लिख देता हूं आर का प्रांत जो पहले घटक संबंधित है संबंधित का हो रहा है यहां तक हो रहा है एक से पांच तक तो ये तो क्या हो गया इसका प्रांत एक दो तीन चार पांच पहले घटकों का जो क्रम क्यूब है उसमें पहले घटकों का जो समूह है वो तो हो गया प्रांत आर का परिसर प्रतिबिंब ऐसे में है तो जो इनके प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं उनका समूह दूसरे घटकों का समूह तो यह हो गया दो तीन चार पांच छह है ये हो गया और पूछ रहा है सह प्रांत क्या होगा जिससे जिसमें परिभाषित है किसमें ए में परिभाषित है तो आर का सह प्रांत इसमें से प्राप्त हो रहे हैं तो ये हो गया एक दो तीन चार पांच और छह अर्थात ए तो ये हो गया इसका सह प्रांत यहां ये हो गया सात इसके बाद में आठवें में है नीचे एक आकृति दी गई है समुच पी और क्यू के बीच एक संबंध दर्शाया गया है इस संबंध को समुच निर्माण रूप में एक तो समुच निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखिए इसके प्रांत तथा परिसर क्या है तो यहाँ पर एक तो ये दे रखा है मैं आठवें में यह आकृति दे रखी है हमें एक पी समूह चाहिए नौ है इसका अवयव एक चार है और एक पच्चीस है यहां पर दूसरा है क्यों ये एक समूह है क्यों इसमें अवयव दे रखे हैं हमें पांच तीन दो एक माइनस दो माइनस तीन और माइनस पांच यहां संबंध स्थापित कर रखा है नौ का तीन से
और नौका मानी तीन से। फिर चार का दो से और चार का माने दो से, है ना, ये गलत है। पांच का पच्चीस का पांच से और पच्चीस का माने पांच से, है ना, ये दे रखे हैं। तो अपन को इसको पहले तो फर्स्ट में लिखना है समुच निर्माण रूप में। अब यह देख रहे हो तुम कि यहां P 9 3 का वर्ग भी है और माइनस 3 का वर्ग भी है, तो इसलिए यहां पर एक्स वाई का वर्ग है ना, इसको लिखेंगे संबंध R को समुच निर्माण रूप में लिखेंगे तो R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, तो वाई का वर्ग एक्स, एक्स बराबर है वाई स्क्वायर, है ना, या इसको ये लिख दें कि एक्स वाई का वर्ग है। एक्स क्या है, एक्स वाई का वर्ग है, ऐसे लिख सकते हैं। क्रमिक क्यूब के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर को देखो यहाँ नौ का दूसरा घटक यहाँ तीन से, नौ का तीन से भी संबंध है, नौ का मान इस तीन से भी है। फिर चार का दो से भी है और चार का मान इस दो से भी है। फिर पच्चीस का पांच से भी है और पच्चीस का मान इस पांच से भी है। एक्स क्या है, वाई का वर्ग, या एक्स बोला टू पी x belongs to p और y belongs to q, तो ये हो गया क्रमिक योग के रूप में लिखा, कार्त योग है ना, इसको रोस्टर रूप कहते हैं। अब इसका प्रांत और परिसर भी निकालना है ना, इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। थर्ड में आर का प्रांत जो पहले घटक है उनका समुच, तो पहले घटक का ये 9 4 25, आर का परिसर दूसरे घटकों का समुच क्या होगा, 3 - 3 2 - 2 5 - 5, ये हो गया इसका परिसर। इस तरह से